राम कृष्ण दिल में बसा लीजिएगा, राम कृष्ण दिल में बसा लीजिएगा, राम कृष्ण दिल में बसा लीजिएगा। अभी मैंने गाना कहीं गाया नहीं है, अभी इसको रिकॉर्ड भी नहीं किया है। एक दिन दिमाग में आया और आज भागवत कथा में आया है। देखो जी, कन्हैया को याद करिए तो गोवर्धन की याद आती है। संकट में गोकुल था, सब भागे जा रहे थे। संकट में गोकुल था, सब भागे जा रहे थे। एक उंगली पे कृष्ण गोवर्धन उठा रहे थे, एक उंगली पे कृष्ण गोवर्धन उठा रहे थे। और ग्वाल बाल अपनी अपनी लाठी लगा रहे थे, ग्वाल बाल अपनी अपनी लाठी लगा रहे। जब कृष्ण भगवान गोवर्धन उठाए थे तो उनके साथ के लोग बैठे नहीं थे, वो लोग भी कोई लकड़ी लगाया था, कोई हाथ लगाया था, वो लोग भी लग रहा था कि हम भी गोवर्धन उठा रहे हैं। हे मेरे जमुना पार के भैया दीदी लोग, थोड़ा थोड़ा आप जोर लगा दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा आप जोर लगा लीजिएगा। मिलकर गोवर्धन उठा लीजिएगा, मिलकर गोवर्धन उठा लीजिएगा। हम ये नहीं कह रहे गोवर्धन मतलब पर्वती, हमारे आपके जीवन में रोज समस्याएं आती हैं जो गोवर्धन पहाड़ जैसी होती है, लेकिन मिलजुल करके हम गोवर्धन उठा सकते हैं। मिलजुल गोवर्धन उठा लीजिएगा, मिलजुल गोवर्धन उठा लीजिएगा। राम कृष्ण दिल में, आइए प्रमोद बाबू आप भी आइए, मुकेश जी आप भी आइए, पुनीत बाबू आइए, जोगेश जी आके बैठ जाओ जहां जगह मिले। मिलकर गोवर्धन उठा लीजिएगा, मिलकर गोवर्धन उठा लीजिए। आप लोग गा रहे हैं ना, हम देवी प्रतिभा जी को बताना चाहते हैं, हमारे क्षेत्र के लोग बहुत सुरीले हैं, वो गाते हैं, गा रहे हैं ना आप लोग। अच्छा तो आप बजाना मत, अभी हम साथ में गाएंगे कि राम कृष्ण दिल में बसा लीजिएगा, राम मिलकर गोवर्धन उठा, मिलकर गोवर्धन। और साल में एक बार इनको बुला लीजिएगा, गाते मिलके राम कृष्ण दिल में बसा लीजिएगा, राम कृष्ण दिल में बसा लीजिएगा। हरे रामा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा राम रामा हरे। मिलकर बोलो सब कोई गाए, मिलके बोलो सब कोई गाए,
अपनी अपनी अरज लगाए, अपनी अपनी अरज लगाए, दोनों हाथ उठा कर गाए, दोनों हाथ उठा कर हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, प्रेम से बोलिए राधे 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 सरकार की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। और हमेशा कथावाचक ईश्वर का ही रूप होता है, गुरु का ही रूप होता है। इसलिए आज हमारी जो देवी प्रतिभा जी आपके बीच में, उनकी वाणी में कितनी भक्ति है, वो जब बोलती भी है तो ऐसा लगता है कि वो भक्ति झर रही है झरने की तरह। मैं अपनी तरफ से आपका स्वागत करते हुए, आप बारंबार यहाँ आते रहिए।